हेलो फ्रेंड, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आलू की बहुत ही नए तरीके से सब्जी बनाएंगे। रोज रोज एक जैसी सब्जी खाते खाते बोर हो जाते हैं, इसलिए आज मैं आपको आलू की बिल्कुल नई तरीके की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी को बनाना। तो मैंने यहाँ पे आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे ये मैंने 6 आलू लिए हैं, जिसको इस तरह से गोल टुकड़ों में काट लिया है। इसी के साथ हम लेंगे, यहाँ पे मैंने 6 आलू लिए, तो यहाँ पे मैंने 5 प्याज लिए हैं, जिनको इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है। इनको भी हम आलू के साथ ही डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे मिर्च का पाउडर, या फिर स्वाद के अनुसार आप मिर्च पाउडर ले लें। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच नमक। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये 2 छोटे चम्मच के करीब दही, ये खट्टा दही नहीं है, ये ताजा दही है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। अब हम सभी चीजों को अच्छे से आलू और प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है गैस ऑन करके। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 2 चुटकी पर हम इसमें हींग डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। आपके पास जो खड़े मसाले हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें। अब हम इसमें डाल देंगे 2 लंबे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे जो हमारे टमाटर है वो जल्दी से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे जो हमारे टमाटर है उसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने आलू तैयार करे थे उनको भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार इनको चला देंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं हमारे जो टमाटर पक रहे हैं उनकी तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे टमाटर थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए तेल अच्छे से छोड़ दिया है टमाटर ने। अब हम इसके अंदर जो हमने ये आलू तैयार करे थे ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से सारे आलू प्याज इसके अंदर डाल देंगे। सारे आलू डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हम इन आलूओं को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं आलू को पकते हुए। देखिए इस तरह के हमारे आलू हो गए हैं।
अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू बनाया था वो वाला जो बर्तन था उसी के अंदर हम ये आधा गिलास के करीब पानी डाल के और इसके अंदर कुकर में हम डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको एक उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो सब्जी है उसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है हाई फ्लेम पे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। कुकर का ढक्कन लगा के हम 2 सीटी सब्जी के लगा लेंगे और फिर जब कुकर का प्रेशर खत्म हो जाएगा तब हम इसको खोल के चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कुकर की सिट्टी है वो लगकर तैयार हो गई है। कुकर का प्रेशर भी खत्म हो चुका है। सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। एक बार हम आलू को भी चेक कर लेते हैं कि जो हमारे आलू है वो पके हैं या नहीं। ये देखिए जो हमारे आलू है वो अच्छे से पक चुके हैं। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।